गुरु रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद को एक किताब पढ़ने के लिए दी, जिसके शिक्षण ने स्वामी विवेकानंद को पूरी तरह से बदल दिया। वह ज्ञान जो हमें यानी सामान्य मनुष्य को भी देवत्व से बहुत ही सहजता से जोड़ता है। पर वह किताब कौन सी थी? वह किताब थी अष्टावक्र गीता। अष्टावक्र यानी जिसका शरीर 8 भाग से विकार युक्त रूप से मुड़ा हुआ है। अष्टावक्र जैसे शारीरिक विकार युक्त मनुष्य ने इतना गूढ़ ज्ञान समाज को दिया, पर वह ज्ञान और उनकी स्वीकृति क्या हमारे समाज में इतनी सरल थी? मिथिला नगरी के राजा जनक तत्वज्ञान के लिए भूखे थे। उनकी रुचि शास्त्रों, उनमें छुपे हुए गूढ़ार्थ और जीवन का वास्तविक अर्थ जानने में लगी रहती थी, और इसीलिए वह समयांतर राष्ट्र के शास्त्रविदों को आमंत्रित करके उनके बीच शास्त्रार्थ करवाते थे। शास्त्र और अर्थ मिलकर बना शब्द शास्त्रार्थ। शास्त्रों के गूढ़ार्थ को समझने के लिए धर्म, तत्वज्ञान, आध्यात्म जैसे विषयों पर बौद्धिक चर्चा और तर्क वितर्क यानी शास्त्रार्थ। विद्वानों के बीच शास्त्रार्थ एक स्पर्धा के रूप में मानी जाने लगी, जहां लोग अपने ज्ञान का प्रदर्शन करके अपनी योग्यता सिद्ध करते थे, और कोई धन या पद की आशा से भी शास्त्रार्थ में भाग लेने के लिए आते थे, और उसमें जीते हुए विद्वान को राजा जनक के दरबार में उचित पद मिलता था। ऋषि बंदी जनक के दरबार में ऐसे ही नियुक्त हुए बड़े ही ज्ञानी विद्वान थे, जो राजा जनक का मार्गदर्शन करते थे। जब अष्टावक्र माता सुजाता के गर्भ में थे, तब एक बार निर्धन पिता ऋषि कहोद धन की आशा से शास्त्रार्थ में भाग लेने के लिए पहुंचे, और बंदी और ऋषि कहोद के बीच में शास्त्रार्थ हुआ, जिसमें ऋषि कहोद हार गए। बंदी की शर्त के मुताबिक हारने वाले व्यक्ति को जल समाधि लेनी पड़ती थी, और इस तरह वो अपना पद राजा जनक के दरबार में एक महान विद्वान के रूप में संभाले रखा था। कई और विद्वानों की तरह हारने के बाद ऋषि कहोद को भी जल समाधि लेनी पड़ी। ऋषि कहोद और माता सुजाता के पुत्र अष्टावक्र ने ऋषि उद्गालक से शिक्षा ग्रहण करके छोटी सी उम्र में ही शास्त्रों और वेदों का मर्म भी ग्रहण किया। एक बार राजा जनक द्वारा फिर से शास्त्रविदों की सभा का आयोजन किया गया, जहां शास्त्रार्थ भी होना था। अष्टावक्र भी अपने चचेरे भाई श्वेत केतु के साथ वहां पहुंचे, और द्वारपाल ने उनको रोका। उनकी छोटी उम्र और शारीरिक दिखावट को देखकर द्वारपाल ने उन दोनों को चले जाने के लिए कहा, पर अष्टावक्र के निरंतर आग्रह और बहस के बाद उनको सभा में जाने की अनुमति दी गई। अष्टावक्र और श्वेत केतु सभा में पहुंचे और उन्होंने बंदी को शास्त्रार्थ का आह्वान दिया। सभा में उपस्थित लोग उनको देखकर उनका उपहास करने लगे। तब अष्टावक्र ने राजा जनक से कहा कि मैंने तो सोचा था कि मैं विद्वानों के बीच जा रहा हूँ, पर यह क्या, यहाँ तो मुझे सब चमार ही दिखाई दे रहे हैं। जैसे चमार चमड़ा देखकर उनका मूल्य तय करते हैं, वैसे ही आपकी सभा के विद्वान मेरा शरीर यानी चमड़ा देखकर ही मेरा मूल्य कर रहे हैं, तो वह चमार नहीं तो और क्या है। सारी सभा में सन्नाटा छा गया। बंदी और बाल ज्ञानी अष्टावक्र के बीच शास्त्रार्थ शुरू हुआ। संसार, मन, इंद्रियों, आत्मा और ब्रह्म जैसे विषयों पर लंबा शास्त्रार्थ चला। धीरे धीरे विद्वान बंदी निरुत्तर होने लगे और उन्होंने हार स्वीकार की। तब अष्टावक्र ने उनकी पहचान ऋषि कहोद के पुत्र के रूप में उन्हें दी, परंतु शर्त के बावजूद भी अष्टावक्र ने बंदी को जल समाधि न लेने दी, बल्कि उनको क्षमा किया। शारीरिक विकारों वाले एक बालक ने बंदी जैसे सक्षम समर्थ ज्ञानी पुरुष को प्रायश्चित की आग में जलाया, और वही उनकी सजा थी। शास्त्रों का शस्त्र के रूप में अपने लाभ, स्वार्थ और अहंकार के संतोष के लिए प्रयोग करने की सजा। राजा जनक ने उनका शिष्य बनने के लिए समर्पण किया, तब अष्टावक्र बोले, मैं आपको वन में मिलूंगा। जब राजा जनक उनके पास वन में संपूर्ण समर्पण और तत्व ज्ञान प्राप्ति की भूख के साथ पहुंचे, तब अष्टावक्र ने राजा जनक को वह वाणी सुनाई जो अष्टावक्र गीता कही जाने लगी, जो आज के सामान्य मनुष्य को भी समझ में आए ऐसी सरल भाषा और अर्थ में लिखा हुआ शास्त्र है। जब यह ज्ञान पाकर राजा ने राज्य और सत्ता का त्याग करने की इच्छा प्रकट की, तब अष्टावक्र ने उनको अपना धर्म समझाते हुए कहा कि आत्मज्ञानी राजा के लिए जंगल या महल में कोई फर्क नहीं,
परंतु आत्मज्ञानी राजा प्रजा के लिए आशीर्वाद रूप होता है। इसीलिए प्रजा की सेवा का त्याग वह नहीं कर सकता और उनके वचनों को आज्ञा मानकर राजा जनक ने राजधर्म निभाया। उसके कुछ समय बाद जब अष्टावक्र समंगा नदी के तट पर डुबकी लगाकर आए तब उनके शरीर के सारे विकार दूर हो गए थे। हमारे शास्त्रों की लिखावट में काफी रूपकात्मक भाव छुपे हुए हैं। क्या हम इसका अर्थ यह नहीं कर सकते कि इतने सालों तक सिर्फ अपने शरीर के आकार के कारण अष्टावक्र को उपेक्षित और अपमानित करने वाले समाज ने जब उनके द्वारा दिए गए ज्ञान की नदी में डुबकी लगाई तब उनकी दृष्टि में परिवर्तन आया और फिर सिर्फ उनका आकलन शारीरिक दिखावट तक सीमित न रहकर उनके ज्ञान तथा बुद्धि को नमन करने लगे और लोगों की दृष्टि में भी विकार रहित ही नहीं बल्कि पूजनीय बने। ज्ञान सिर्फ आकार तक सीमित नहीं, ज्ञान ही है जो परिवर्तित नहीं होता।